आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A central cavity common in all type of canal system of sponges is called. पूछा गया एक central cavity जो कि अगर हम लोग sponge का structure देखे तो वो अंदर की तरफ form होता है और उस इस वाले structure को central cavity कहते हैं और यहाँ पे कौन सा ऐसा structure है जो align होता है जो कि हर sponge के structure में पाया जाता है, जैसे हमारे sponge के divisions है ascoid, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड, और इन तीनों में ही ये जो कैविटी है वो पाए जाते हैं। तो इस कैविटी का नाम क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है इनकरेंट कनाल। इनकरेंट कनाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड में पाए जाते हैं, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड में, क्योंकि ये दो कनाल्स में इनकरेंट कनाल्स जो छोटे छोटे ऐसे लाइन होते हैं पाइप के टाइप के वो सिर्फ पाए जाते हैं, लेकिन जो एकदम सिंपल टाइप के होते हैं एस्कोनॉइड वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और वैसे ही रेडियल कनाल, एक्स करेंट कनाल, ये तीनों ही जो है साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड में पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों ही एब्सेंट रहते हैं एस्कोनॉइड सिस्टम में, क्योंकि एस्कोनॉइड जो है ये सिंपलेस्ट सिस्टम माना जाता है। लास्ट है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है ये कैविटी है जो कि बीच में पाया जाता है और ये क्या करता है, इन्हीं से रेडियल कनाल जो है ओपन होता है, और ये एक ऐसा कैविटी है जो कि तीनों में एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।